आज हम अपना सर्फ लाए हैं फाइनली। हर बार हम भूल जाते हैं। मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। ऐसे रोड पे चलते हुए आप गुलाब तोड़ सकते हैं, यहाँ पर कोई मसला नहीं है, बहुत सारे गुलाब हैं। तो दोस्तों ये हो रहे हैं सुबह के 4:30 यहाँ पर। तो अभी मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो टॉपिक ये है कि कनाडा से लोग अमेरिका जा रहे हैं और असाइलम लगा रहे हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो अभी यहाँ का मौसम आप चेक करें, पीछे धूप बिल्कुल भी नहीं है और दोपहर के लगभग 2 या 2:30 बज रहे हैं यहाँ पर। तो मौसम यहाँ पे रोज़ बदलता है, कभी गर्मी कभी सर्दी। तो अभी मैं बैठा हूँ तो ठीक ठाक, मतलब गर्मी नहीं लग रही, ठीक ठाक ठंडा लग रहा है। कल हम गए थे बाहर जब एम्यूजमेंट पार्क, तो कल इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा, पर अभी पूरा यहाँ पे एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है। इसके बाद हम जाएंगे लॉन्ड्री के लिए। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत, चलते हैं आपको दिखाते हैं आज का क्या हुआ। स्टे ट्यून विद दिस व्लॉग। तो दोस्तों हम ये फ्रोजन कबाब लेके आए थे, अब आपको दिखाते हैं ये कैसे बनते हैं। तो ये आप चेक करो, इस तरीके से निकलते हैं। इसको आपको इसमें गर्म करना होता है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ, आपको गर्म करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको गर्म कर रखा था और ये मैंने रख दिया। तो अभी इनको ऐसे अलट पलट कर लेंगे और उसके बाद ये तैयार हो जाएंगे, तो वो मैं करके अब आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इन्हें तो भाई मैं हाथ से ही कर दूंगा अलट पलट। ये देखो ये अपने इतने बढ़िया तैयार हो गए। आवाज़ आ रही है जी? हाँ, कितने बढ़िया सिक गए। तो इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। अब आप कहोगे यार ये तो गर्म लग ही नहीं रहे भाई, पूरे गर्म है, ऐसा नहीं है। चम्मच का इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, हीरो नहीं बनता अब ज़्यादा। ये चेक करो, तो देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे अपने यहाँ इंडिया में या पाकिस्तान में मिलते हैं। बाकी खाने का मैं आपको लाइव बताता हूँ, तो अब इसे खा के देखते हैं कैसा है। एकदम परफेक्ट है भाई, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लग रहा है खाने में। दोस्तों अब सामान उठाते हैं, कपड़े भी चेंज हो गए, नहा धो भी लिया एक, इसके बाद चाय भी हो गई है अभी कुछ खाने पीने के बाद, और शाम हो चुकी है, 4:30 बज गए। तो अब चलते हैं कपड़े धोने के लिए। मौसम अभी तक वैसे ही है जैसा अभी छोड़ा था, तो अभी लॉन्ड्री करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। हमारा सामान और ये दोनों हमें खाली मिल गया, इसके अंदर भरते हैं। तो बहुत ही कस गया है, तो बताएंगे? हाँ मैंने बोला था ये टाइट हो जाएगा, रुक मैं ट्राई करता हूँ। आज हम अपना सर्फ लाए हैं फाइनली, हर बार हम भूल जाते हैं। अच्छा हाँ फुल है ना, इसके अंदर पानी डाल के डालना है। हाँ ये रहने दीजिए, अभी इस बोतल को मैं और भर के वापस इसी काम के लिए रख लेते हैं इस जी। बोतल को ना, चले कपड़े यहाँ धुल चुके हैं, उसको अभी ड्रायर में डालें, और ड्रायर में डालने के बाद हम जा रहे हैं वापस घर पर। ठीक है चलो। ली है हमें मैगी, इतने हमारे कपड़े ड्रायर में सूख रहे हैं, तो इसे खाते हैं और चलते हैं कपड़े लेने के लिए। मैगी नहीं है ये, है इंडोमी जहर। ये देखो इसके अंदर कितनी लाल है, दिख रही है ना? मैं खा रही हूं भाई, जहर मिर्च है इसके अंदर। मैं तो मिर्च भाई बहुत कम खाता हूँ, साइड कर दी, मैं नहीं खा रहा। तो ये भाई सेल्फ डिफेंस की क्लास है, हुया हु वो वाली क्लास, समझ गए ना आप लोग। लोग वापस जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, और जो हमने कपड़े यहाँ पे सुखाने के लिए डाले थे सूखे नहीं। और ये पिंक वाला गुलाब चेक करो आप, बड़ा बढ़िया लग रहा है। मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। ऐसे रोड पर चलते हुए आप गुलाब तोड़ सकते हैं यहाँ पर, कोई मसला नहीं है, बहुत सारे गुलाब हैं। ये लो मारिया, ये गुलाब आप ले लो। तो ये फ़ायदा है आपको कनाडा में रह के, आपको ना गुलाब गुलाब पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, आप भी खुश, आपकी बीवी भी खुश, चलते चलते आप गुलाब तोड़ सकते हैं यहाँ पर। पहले जब मैं इंडिया में था तब मेरा जो टाइम टेबल चल रहा था कनाडा वाला चल रहा था, और अभी मैं कनाडा में हूँ तो टाइम टेबल इंडिया वाला चल रहा है। ठीक है अब आपको टाइम क्या बताऊं, रुको वॉच इधर पड़ी है मेरी, 2:34, 34। तो ये रात के हो रहे हैं, तो इंडिया में बज रहे होंगे 2। तो भाई इंडिया के हिसाब से खाना खा रहा हूँ, लंच कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस चल रहा है इंडिया के टाइम के हिसाब से, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है। तो दोस्तों ये हो रहे हैं सुबह के 4:30 यहाँ पर। तो अभी मैं एक टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो टॉपिक ये है कि कनाडा से लोग अमेरिका जा रहे हैं और असाइलम लगा रहे हैं। तो वो जो असाइलम लगा रहे हैं ना, वो ज़्यादातर इंडियन है, ऐसी न्यूज़ आई है अभी मैंने देखी, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। तो ऐसा क्यों हो रहा है,
तो इसकी वजह पता है क्या है, कनाडा के अंदर जो वीज़ा के जो प्रोसेस हैं उनमें चेंजेस आना, यहाँ पे जॉब की कमी होना, उसके अलावा जो कनाडा ने जो नई पॉलिसीज़ लाया ना, जैसे विजिटर वीज़ा वाले वर्क परमिट नहीं ले सकते, एक ये भी एक वजह है। जो वर्क परमिट है वो एक्सटेंड नहीं हो रहे, एक्सटेंशन जो हो रहा है बहुत कम हो रहा है और वर्क परमिट नहीं मिल पा रहे, तो ये सब वजह है जिसकी वजह से लोग कनाडा से अमेरिका मूव कर रहे हैं और वहाँ पे जाके असाइलम लगा रहे हैं। असाइलम का मतलब ये होता है कि वो लोग ये जाके बोलते हैं कि हम अपनी कंट्री में सेफ नहीं हैं, तो ऐसा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इस कंडीशन में पता है क्या दो चीज़ें हो रही हैं, कुछ लोगों को असाइलम मिल भी रहा है और काफ़ी लोगों को मना भी हो रहा है और उनको वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि वो कनाडा होते गए हैं, क्योंकि असाइलम तब मिलता है जब बंदा डायरेक्ट अमेरिका आता है, ना कि कनाडा से होते हुए आता है। पहले कनाडा में एक दो साल आप रुक गए, फिर उसके बाद अमेरिका जाके असाइलम ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी असाइलम आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने ये भी न्यूज़ सुनी थी कि बॉर्डर पे जब इंडिया से लोग विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं ना, यहाँ पे आके विजिटर वीज़ा वालों को आने नहीं दिया जा रहा, तो वो लोग भी यहाँ पे असाइलम सीख कर रहे हैं, तो ऐसा भी न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है। भाई काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई पॉलिसी बन रही हैं, तो आप जो भी मतलब कनाडा आने का प्लान कर रहे हो ना, तो आप लेटेस्ट न्यूज़ हमेशा चेक करें कि आखिर कनाडा में चल क्या रहा है, क्योंकि भाई आप यहाँ पे अच्छे खासे पैसे लगा के आएँ और आपके पैसे बेकार हो जाएँ, तो वो सब चीज़ें भी आप देख कर आएँ। तो अभी रात ना ज़्यादा हो गई और मुझे आ रही है नींद। पहले मेरा प्लान था कि आपको जाके दिखाऊंगा कि भाई कनाडा रात में सेफ़ है या नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कनाडा बहुत सेफ़ है, ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो 4:30 बज रहे हैं और कोई मसला नहीं है, इट्स सुपर सेफ है ना, तो आप आराम से घूम फिर सकते हैं, कोई मसला नहीं है यहां पर। अभी 4:30 बज रहे हैं भाई, मैं टी शर्ट में हूँ और टेम्परेचर यहाँ पर अभी 14 है, तो इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, तो आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। तो लोग अभी भी मतलब रात में ऐसा नहीं है, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो शायद बस वगैरह भी चल रही होंगी, लेकिन कम चल रही होंगी ना रात की वजह से, तो ये हो सकता है। तो कनाडा भाई बहुत सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसी। तो अपना व्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड, मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग यार काफ़ी छोटा रह गया, कोई नहीं, कल उसको बड़ा कर देंगे, कुछ अच्छा ऐड करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, बाय बाय।